तो हैं हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है सैम और मैं आ गया हूँ और एक नए पबजी मोबाइल के वीडियो के साथ। तो एक गुड न्यूज़ निकल के आई है पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन से रिलेटेड। जो भी दोस्त अपने पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन खेल रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। आप सभी को पता ही होगा कि पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन सब कंट्री में बैन होने वाला है एक्सेप्ट कोरिया और जापान। तो फिर कल दोस्तों ऑफिशियल्स ने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेट कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों पबजी मोबाइल का कोरिया वर्जन बैन होने वाला था बाकी सभी कंट्री में। तो वो होने वाला था 1 मई से, मतलब उसके सर्वर डाउन होने वाले थे। पर कल पबजी मोबाइल के कोरियन ऑफिशियल वालों ने एक पोस्ट डाली थी, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो पोस्टपोन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो, आपको बस इंस्टाग्राम पे डालना है पबजी केआर, तो आपको उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। तो आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो उन्होंने कल पोस्ट डाली है, तो वहाँ सब कोरियन में लिखा है पर नीचे आप देख सकते हो इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है। तो वहाँ लिखा है कि अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान। डियर यूजर्स, दिस इज़ फ्रॉम पबजी मोबाइल। लिमिटेशंस ऑफ यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान रिलीज्ड ऑन March 31st वेनसडे 2021 वुड बी पोस्टपोन्ड। द न्यू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द लिमिटेशन इज स्टिल इन एडजस्टिंग एंड वी विल इन्फॉर्म यू ऑफ द फिक्स्ड डेट लेटर, थैंक्स। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि यार जो होने वाला था, मतलब 1 मई से उनके सर्वर्स बंद होने वाले थे और इंडिया में दोस्तों 30 जून से सभी सर्वर्स बंद होने वाले थे पबजी मोबाइल केआर के। तो वो कह रहे हैं कि वो अभी एक्सटेंड कर देंगे, तो वो नया डेट बाद में बताने वाले हैं। तो पबजी मोबाइल के केआर के यूजर्स यार अभी राहत की सांस ले सकते, वो और कुछ दिन खेल पाएंगे। अभी पता नहीं वो फिर से कब बैन लगाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जून के बाद ही वो नई डेट डरा सकते हैं या फिर जून के बाद ही बंद हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि 31 मार्च को उन्होंने क्या पोस्ट डाली थी तो यह आप देख सकते हो उनके इंस्टाग्राम पे, आपको ये मिल जाएगा या फिर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर देख सकते हो। तो उन्होंने इतना ही कहा था कि यार सिर्फ कोरिया और जापान वाले ही उनका वर्जन खेल सकते, बहुत सारे लोग उनका वर्जन खेल रहे तो शायद उनको कुछ दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम सब बंद कर देंगे, आप अपने अपने ग्लोबल अकाउंट में खेलो या फिर जो भी आपका रीजनल पबजी मोबाइल होगा तो आप उसमें खेलो। तो ये दोस्तों न्यूज़ पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड भी है कि पबजी मोबाइल इंडिया भी बहुत ही जल्द आने वाला है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया थोड़ा पोस्टपोन्ड हो सकता है क्योंकि दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, इसलिए उन्होंने इसका पोस्टपोनमेंट बढ़ा दी है कि उनको भी पता है बहुत सारे यूजर्स अपने कोरिया वर्जन खेलते हैं इंडिया के, तो उनके लिए दोस्तों उन्होंने बढ़ा दिया है टाइम। तो अभी फिर देखते हैं पबजी मोबाइल इंडिया पोस्टपोन्ड होता है या जल्दी आता है, पता नहीं यार कब भी आ सकता है। नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, मैं 1.4 की अपडेट की लिंक आपको दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जाते जाते मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि मेरा एक गेम प्ले चैनल भी है सेकेंड रियान गेमिंग नाम से, तो आप उसे चेकआउट ज़रूर करना। मैं बहुत अच्छे ऑसम वीडियोज़ डालता हूँ फुल गेम प्ले के, आप बहुत इन्जॉय करोगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर watching. I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true, but the